नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। योगेंद्र लोधी को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जिला छतरपुर बड़ा मल्हार से योगेंद्र लोधी को प्रत्याशी बनाने की मांग स्थानीय लोगों ने भोपाल कमलनाथ से मिलकर मांग की। लोगों ने कहा कि अब ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जो टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं। आज मैं कमलनाथ जी के बंगले पे आया हूँ और उनसे दरख्वास्त दी है कि योगेंद्र भैया के लिए टिकट दी जाए। योगेंद्र भैया में आपने ऐसा क्या देखा जो आप उनके लिए वहाँ से आए यहाँ तक? खूबियाँ हैं क्या इस पद का? कौन खूबियाँ हैं क्या, जैसे कुछ बताएं मीडिया को। उनके अंदर हर चीज़ की पकड़ है, वोट ले आने की उसकी पकड़ है उनमें, इसलिए हमारा कहना है वोट लेने की पकड़ है, इसलिए आप उनको चुन रहे हैं। हाँ, नाम बता दीजिए। पान साहब रखी कि हमारे क्षेत्र में स्थाई एक ऐसा नेतृत्व दें जो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो। इसमें जो है जिनका सबके साथ में मेलजोल है, पूरे विधानसभा के 271 पोलिंग हैं, उन सब में योगेंद्र सिंह लोधी जो है सतत प्रयासरत हैं। नारी सम्मान योजना का काम करते रहे हैं और उन्होंने सभी पोलिंग पर जाकर से महिलाओं से, युवाओं से एवं बुजुर्गों से मिलकर के और संगठन की एवं जो है माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जो वचन पत्र में निर्धारित सभी 11 वचन हैं उन सबको सबके बीच में रख करके अपनी बात रखी और जन समर्थन उनके साथ में है। ऐसी अपेक्षा है कि यदि उनको टिकट दी जाती है तो अच्छे बहुमत से वह इस भ्रष्ट सरकार के का सामना करके विजय होकर के आएंगे। आपने टिकाऊ होगी और बिकाऊ जी हाँ, कौन से प्रत्याशी आपको लगता है जो बिकाऊ है? अभी इससे पूर्व जो है हमारे क्षेत्र में कांग्रेस में प्रद्युम्न सिंह लोधी जी को कांग्रेस के सिंबल से विधायक बनाया था, मात्र 13 दिन में उनको विधायक बना दिया गया था, लेकिन शिवराज जी ने उनको खरीद करके और माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी थी। मैं भगवान सेक्टर का सेक्टर अध्यक्ष व्रतचंद जैन, बड़ा मल्हारा विधानसभा। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.